एक वक्त था ना पूर्वी, जब तुम्हें ये बारिश बहुत पसंद हुआ करती थी। आई थिंक ऊपर वाला बहुत ज्यादा प्यार करता है हम लोगों से। हम जब कभी मिलते हैं वो फड़ा फड़ा बारिश कर देता है। तो चले और इस बारिश को थैंक यू बोले। ओके लेट्स गो। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं अर्जुन। और फिर परी को भी ठंड लग जाएगी ना। अरे परी, क्या हो गया परी को? मैं ले लूं प्लीज। पूर्वी, वो किंचुक और शालिनी के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, बहुत कुछ पता चला है अर्जुन। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मेरी जिंदगी थम गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। अर्जुन, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं घर तक छोड़ दूंगी या नहीं? मैं मैनेज कर लूंगी। ओके ओके बाय बाय। चलो अब इतनी रात को परी को कहां ले जाऊं? आई, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। पूर्वी का फोन इतनी रात को, कहीं अर्चना जी को? हाँ पूर्वी, क्या हुआ, तूने इतनी रात को फोन किया? अर्चना जी ठीक तो है ना? गौरी, तू तो जानती है ना मेरी आई से बात कहाँ हो रही है, मुझे कैसे पता होगा। अच्छा सुन, मैंने तुझे इस वक्त किसी और काम से फोन किया है। मतलब? वो गौरी, मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ बोल पूर्वी, कैसी मदद? क्यों, मैं कुछ दिनों के लिए तेरे घर पे रह सकती हूँ? हाँ रह सकती है पूर्वी, लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहीं ओनर के साथ तेरा? देख, मैं तुझे सब कुछ घर आके बताती हूँ। हाँ मैं तेरे घर आ जाऊँ ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है, मैं अभी घर पे ही हूँ, तू जल्दी से आ जा। ठीक है, सुन, थैंक्स। हाँ इट्स ओके पूर्वी, दोस्त होते ही किस लिए है, तू सीधे घर आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। बाय। तो हम आज मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है, भाकरी और बैंगन का भरता। पसंद है ना तुझे? नहीं आजी, भूख नहीं है मेरे को। अरे लेकिन मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, थोड़ा तो तुझे खाना ही पड़ेगा। हाँ चल शुरू कर। अर्जुन, अरे तू इस वक्त यहाँ? आई, वो मैं सोहम को घर ले जाने आई। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बेटा, तूने मानव से ये पूछा है ना? वो सोहम का घर, सोहम का उस घर पर पूरा हक है और वो जब चाहे वहां आ सकता है, उसे किसी की मर्जी की जरूरत नहीं। भाई, तो उसे यहाँ से ले जाए इससे पहले
मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ वर्षा, मुझे सब कुछ पता है और मैं जानती हूँ कि सोहन कभी गलत नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन जीजू की इजाजत के बगैर तू वर्षा, मैंने तुझसे कहा सोहन का पूरा हक बनता है उस घर पर, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है और ये मैं तुझसे कह रही कि अब सोहन मेरे साथ रहेगा। रहेगा ना सोहन? नहीं आएंगे हम तोरा साथ, तोरे घर नहीं आएंगे। ये क्या कह रहा है? तो घर कैसे नहीं आएगा? ऐसे ऐसे मत बोल सोहन। मैंने इस दिन का बहुत सालों से इंतजार किया है कि तू कभी ना कभी मेरे पास लौट के वापस आएगा। अगर तू ऐसे कहेगा तो कैसे चलेगा सोहन? तू मेरा सपना पूरा नहीं करेगा क्या? मैं यही सपना देखा है सोहन, प्लीज मेरे साथ घर चलो। रुको ना, जरूरत नहीं है हमारे सामने विनती करने की। ठीक है, हम आएंगे तोरा साथ। लेकिन एक बात कह देते, अगर मानव देश में कुछ नमस्कार चल, सब संभाल लो। अपने घर, अपने परिवार के पास वापस जा। ओनर की एक और पत्नी है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब एक दिखावा था क्या? पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने टाइम से ओनर मुझे धोखा दे क्यों रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वही ओनर है जो मुझे कोलकाता में मिले थे, जिस इंसान को मैं अपना पति मान रही थी वो किसी और का पति। पूर्वी देख शांत हो जा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन ओनर ने जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया। चल हम तेरी आई के घर चलते और उन्हें सब कुछ सच सच बता देते। नहीं गौरी, मैं आई को ये नहीं बता सकती, तुझे पता है ना उस दिन क्या हुआ। मैं आई को एक और सदमा नहीं दे सकती। अब देख, एक दो दिन मैं यहाँ रहूंगी, फिर जैसे मुझे नौकरी मिल जाएगी ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ पूर्वी कैसी बातें कर रही है, ये भी तो तेरा ही घर है, तो जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है। और अभी परी इतनी छोटी है तो उसे छोड़ के कैसे जाएगी? वारी, मैं मैनेज कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। और आई एम रियली सॉरी मैं इस तरह बिना बताए तेरे घर चली आई, लेकिन मैं क्या करती, मैं घर भी नहीं जा सकती थी। पूर्वी दोस्त भी तो फैमिली जैसे होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने मुझे अपना समझा और यहाँ चली आई। अब तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक्स। अरे तुम दोनों सिर्फ बातें ही करती रहोगी या कुछ खाना खाओगे? I'm really sorry, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। इसमें तकलीफ कैसी बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। अच्छा तुम दोनों खाना खा लो, मैं तब तक परी का दूध गर्म कर लेती हूँ। नहीं काकी, वो परी तो सो गई, दूध गर्म मत कीजिए, अभी शायद आधी रात को ही उठेगी। आए मुझे बहुत भूख लगी है। होमवर्क किया तूने? हाँ ताई। अब तेरी सारी एक्स एंड वाई की इक्वेशन तेरी पूर्वी ताई सॉल्व करेंगी। हाँ पूर्वी समझा तू? पूर्वी चल खाना खाने चलते हैं।
अर्चना फोन भी नहीं उठा रही। बाबा अर्चना कहाँ चली गई? वो इस तरह बिना किसी को कुछ बताए कैसे जा सकती, और वो भी इतनी रात को, फोन भी नहीं उठा रही है। अर्चना, अर्चना कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। सोहम अंदर आ, ये तेरा अपना घर। मैं जानती हूं कि मैंने आपके आपके विरुद्ध जाके ये फैसला लिया जो गलत है, लेकिन मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अर्चना, तुझे मानव के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। आई आप ही बताइए, मैं क्या करती, क्या करती भाई, इसे छोड़ देती इस तरह? मैं मानती हूं सोहम से बहुत सारी गलतियां हुई भाई, लेकिन अब ये बदल गया है, और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते कि ये बदल चुका है, लेकिन कोई कोई मानने को तैयार नहीं। आई ये बात भी उतनी ही सच है कि आज अगर मैं आप लोगों के साथ हूं, यहां खड़ी हूं, तो सिर्फ इसकी वजह से। मैं इसे इसीलिए यहां लेकर आई हूं कि मैं इसे सुधार सकूं, और मेरे सुधारने से या नहीं सुधारने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि ये खुद सुधरना चाहता है, ये खुद अपने आप को बदलना चाहता है, पर इसीलिए यहाँ पर है। आप बताइए आई, अगर कल को मानव कुछ गलत करते तो क्या आप उनका साथ छोड़ देती? ऐसा नहीं होता ना, लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ सुधरने का। मेरा पूरा परिवार इसे अपना है, क्योंकि ये इस घर का पोता है, आपका पोता है। आई अर्चना, सोहम के लिए तेरी तड़प और प्यार में समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसे जाहिल और आवारा लड़के को मैं मेरा पोता नहीं मान सकती। अर्चना, इन छोटी मोटी बातों की तरफ तू ध्यान मत दे। अगर तुझे लगता है कि तू सही है तो लड़ती रहे, अंत में जीत तेरी ही होगी। और इस लड़ाई में मैं तेरे साथ। वेलकम होम दादा। आओ सोहम, अपने परिवार में तुम्हारा स्वागत है। सॉरी किस लिए? मुझे पता आप मुझसे नाराज हैं। बात नाराज होने की नहीं है अर्चना, दो महीने के बाद तुम कोमा से बाहर आई हो, एक नया जन्म मिला है तुम्हें। इस खुशी के आगे मेरे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती है।
लेकिन एक बात का मुझे हमेशा बुरा लगता है। अर्चना, हम सोम के साथ कितना भी अच्छा बर्ताव क्यों ना कर लें, वो नहीं बदलेगा। और खास करके आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मेरी ये सोच और भी पक्की हो गई है। अर्चना, मैं सोम के बारे में किसी फैसले पर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले तुम उसे घर ले आई। हम कितना भी अच्छा बर्ताव क्यों ना कर ले सोम के साथ, वो नहीं बदलेगा। अर्चना, वो इस घर में रहना डिजर्व ही नहीं करता, काबिल ही नहीं है वो। उसे काबिल हम बनाएंगे मानव। मानव, बच्चे काबिल बनकर नहीं आते, उनके माँ बाप उन्हें काबिल बनाते। मानव, सोहम को हमारी जरूरत, हमारे प्यार की जरूरत, और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार एक साथ रहे, है ना? ठीक है, सोहम यहाँ रह सकता है, लेकिन अर्चना, मैं जब भी उसे देखता हूँ या जब भी वो मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है अर्चना, और मैं उससे ढंग से बात नहीं कर पाता, और इसलिए मैंने चाहता था कि वो घर में आए। मानव, मैं आपको समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि सोहम बहुत बदल गया, वो पहले जैसा नहीं रहा मानव, और मुझे यही लगता है कि जैसे बाकी सारे बच्चों का हक है हम पर और इस घर पर, वैसे ही सोहम का भी होना चाहिए। हाँ अर्चना, लेकिन घर में उसे किसी ने भी ठीक से अपनाया नहीं है। तुमने देखा ना, उसे देखते ही आई ने कैसे रिएक्ट किया, और सचिन तो सोहम का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। उसने हमारे परिवार के साथ इतना गलत बर्ताव किया है ना, मुझे नहीं लगता अर्चना कि कोई भी उसे आसानी से अपनाएगा। मैं जानती हूँ मानव, सोहम ने बहुत गलतियां की है, लेकिन मानव, उसे गलती सुधारने का भी एक मौका मिलना चाहिए। उसे कौन मौका देगा मानव? उसे हम मौका देंगे, क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। मानव, सोहम जितना मेरा बेटा है उतना ही आपका भी बेटा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ उसे एक मौका मिले। और जहां तक आएगी सचिन की बात है, मुझे पता है कि वो लोग सोहम से नाराज है मानव, लेकिन तेजू, मानव आपने देखा, तेजू ने सोहम को अपना लिया है, वो सोहम को दादा कहती है मानव। और मुझे पूरा विश्वास कि जिस तरह तेजू ने उसे अपनाया है, आई और सचिन भी उसे अपना लेंगे। मानव याद कीजिए, 18 साल पहले हम दोनों इसी वजह से शायद एक दूसरे से अलग हुए थे, हमारा सोहम से दूर चला गया, लेकिन आज वो हमारे पास आना चाहता है। मुझे आपका साथ चाहिए मानव, अगर आप मेरे साथ होंगे तो सब हो जाएगा। अर्चना, मैं सोहम के बारे में और बात नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, अगर तुम उसे सुधारना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हारी कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं सुधरा तो मैं उसे जिंदगी में कभी भी नहीं अपनाऊंगा, कभी भी नहीं।